नमस्कार सर जी नमस्कार हर साल की तरह इस साल भी विजयनी फाउंडेशन विश्व महिला दिवस 10 मार्च 2019 को करने जा रहा है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? जी धन्यवाद नेताजी, विशेष रूप से आपको बधाई और विजयनी फाउंडेशन को समस्त कार्यकर्ताओं को बधाई जो पूरे साल देश और दुनिया में से हमारे साथ खड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम को जो आज का कार्यक्रम आप देख रहे हैं इसको सफल बनाने के लिए अपना जीतोड़ प्रयास करते हैं, भरकस प्रयास करते हैं। जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि विजयनी फाउंडेशन के लगभग 5 से 6 वर्ष के स्थापना से लेकर आज तक विजयनी फाउंडेशन ने अनेक कार्यक्रम कराए हैं और व्यक्तिगत रूप से मुझे भी कई सारे कार्यक्रमों में आने का मौका मिला है और जो कार्यक्रमों की श्रृंखला है जहाँ तक मुझे पता है कि आप उस कार्यक्रम की श्रृंखला में सबसे पहले जो मुझे लगा पता है कि आपने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन कराया, हिंदी कवि सम्मेलन कराया। उसके बाद आपने IIMC जिस हॉल में आज ये कार्यक्रम हो रहा है इसमें भी आपसे पूर्व आपने 2 कार्यक्रम कराए हैं, अलग अलग तरीके से कार्यक्रम कराए हैं, एक कवि सम्मेलन का संचालन किया है। उसके बाद आपने उड़ीसा पर वाला कार्यक्रम भी आपने इंडिया गेट पर वहाँ पर आपने कार्यक्रम कराया। उसके बाद में एक कार्यक्रम आपने विजयनी फाउंडेशन के मार्ग पर राजा महोत्सव के नाम से कराया, एक कार्यक्रम आपने परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में हिंदी का जो कमीशन भारत के सब अलग अलग हिस्सों से बुलाकर एक हिंदी का बड़ा कमीशन हिंदी भवन दिल्ली में कराया और उसी श्रृंखला भी करी में आज जो आपके नेतृत्व में रीता जी विजयनी फाउंडेशन भारत और भारत के बाहर हमारी उन बेटियों को सम्मानित करने जा रहा है जो कि शिक्षा में, साहित्य में, समाज सेवा में, चिकित्सा में, शौर्य में और अलग अलग क्षेत्र में जो अपने नाम की ख्याति बिखेर रही हैं, अपने शौर्य की ख्याति चारों तरफ बिखेर रही हैं या उनके काम से जिनको भारत और भारत के नाम से जाना जाता है उन विशेष क्षेत्रों से चुनकर विजयनी फाउंडेशन जो इन बेटियों को शख्सियत के रूप में चुनकर लाया है और जिनको आज आप IIMC सभागार में उनके विशेष कार्य के लिए, उनके विशेष सहयोग के लिए और विशेष रूप से आप सम्मानित कर रहे हैं उसके लिए बताएं कि आप पात्र हैं। उसी श्रृंखला की कड़ी में आपके प्रयासों के द्वारा, आपके विजयनी फाउंडेशन के प्रयासों के द्वारा भारत में अलग अलग कार्यक्रम हुए, छोटे छोटे कार्यक्रम भी आपने कई तरह के कार्यक्रम कराए हैं, अवेयरनेस कार्यक्रम आपने कराए हैं, सफाई के रूप में भी आपने कार्यक्रम कराए हैं, कैंसर जागरूकता, TB और छोटी बीमारियों के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, एक विशेष कार्यक्रम आपने बेटियों की नैपकिन से संबंधित कार्यक्रम भी एक बार कराया था विजयनी फाउंडेशन अपने स्तर पर कराया था। उन्हीं कई कार्यक्रमों की श्रृंखला में जो ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये विशेष रूप से कार्यक्रम हो रहा है जो कि आप हर वर्ष महिला दिवस के रूप में कराती रहें, चूँकि देश और दुनिया की तरफ से 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है लेकिन हम सभी की सुविधा के अनुसार आपने विजयनी फाउंडेशन आज 10 मार्च को इसका आयोजन किया है और जो कि बहुत ही सफल और भव्य रूप से कार्यक्रम है और हम जिस तरह से आपने पूरे भारतवर्ष से हमारी बहन और बेटियों को यहाँ पर बुलाकर सम्मान किया है ये बड़े गौरव का विषय है और बड़े सम्मान का विषय है। हम चाहते हैं कि ये रीता जी आपके मार्फत जो आपने बीड़ा उठाया है, विजयनी फाउंडेशन ने जो ये बीड़ा उठाया है, ये बीड़ा, ये जो चमक, ये ज्योति, ये देश और दुनिया के साथ सारी दुनिया में फैले और भारत में कच्छ से कोहिमा तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले। और जहाँ तक मुझे एक बात चीज है उसके लिए मैं आपको विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा, विशेष रूप से रीता जी आपको और आपके इस संगठन विजयनी फाउंडेशन को। पिछले 2 या 3 वर्षों से आप एक उसकी तरफ एक बड़े मजबूत विषय की तरफ और एक बड़े महत्वपूर्ण विषय की तरफ लग रही थी कि आपने दिल्ली सरकार से विशेष रूप से कहा कि हम 15 से 16 लाख लोग उड़ीसा समाज के दिल्ली NCR में निवास करते हैं, दिल्ली सरकार की हिंदी अकादमी, उर्दू अकादमी, संस्कृत अकादमी, पंजाबी अकादमी, भोजपुरी अकादमी की तरह सिंधी अकादमी या और जो अकादमी की तरह हमारी भी उड़िया अकादमी होनी चाहिए। अभी जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि दिल्ली सरकार लगभग 15 अकादमियों की बनाने की घोषणा करने जा रही है और जहाँ तक हम लोगों को जानकारी है कि आपका वो सपना, आपका वो संघर्ष बहुत जल्दी पूरा होने जा रहा है कि दिल्ली सरकार आपके आपके संघर्ष को
आपके संघर्ष को और आपके जज्बे को सलाम करने जा रही है कि बहुत जल्दी उड़िया अकादमी का गठन करने जा रही है, जिससे हम सभी जो दिल्ली एनसीआर में 16 लाख लोग उड़ीसा समाज के हमारे निवास कर रहे हैं, वो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने साहित्य को से रूबरू हो सकेंगे और हिंदी भाषा के और अन्य भाषाओं का जो साहित्य है उड़िया भाषा में भी ट्रांसलेट होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आदरणीय रीता पात्रा जी और विज्ञानी फाउंडेशन को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि इतना सफल कार्य और इतना सुसंकृत कार्य और इतना संचित रूप से कार्य जो आप कर रही हैं। निस्संदेह आप बधाई की पात्र हैं और आज इस कार्यक्रम में जो पूरे भारत से और देश दुनिया से जो मेरी बहन, जो मेरी बेटियां यहाँ विज्ञानी फाउंडेशन के मार्फत से जो यहाँ पर सम्मानित हुई हैं, मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और पुनः एक बार उन शब्दों के साथ आपको हार्दिक बधाई देता हूँ, विज्ञानी फाउंडेशन को हार्दिक बधाई देता हूँ कि आप बहुत आगे जाएं, आप इतना आगे जाएं जिसकी कोई सीमा ना हो। धन्यवाद, नमस्कार।